का एलजी है, आपने अपॉइंट किया, नहीं करे तो निकाल दो कल उसको, हटाओ उसको। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे आप? केएलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है, तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया, तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था, तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता, जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है, जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती, क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की, बेवकूफ मत बनाओ आप। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को, ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती, ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। अब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं भाई, दो दो इंटरप्रिटेशन हो रही हैं इस पूरे मामले की। एक इंटरप्रिटेशन, मोटे में सर्विसेज वगैरह छोड़ दो, एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि असेंबली की पावर है, दूसरी इंटरप्रिटेशन है एलजी की पावर है। हमारी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हमने ये बिल पास कर दिया, चलो गलत हो गया, मान लेते हैं गलत हो गया, अब एलजी की इंटरप्रिटेशन मान लेते हैं। हम सारे आपकी मदद करने को तैयार है, आपको हम अपना नेता मानने को तैयार है आज, सारे हम सारे, इन द इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन दिस। नहीं, एक मिनट सुन लो, आपसे निवेदन है, आप एलजी साहब से, आपने कहा कि आप इनको पक्का करवाना चाहते हो, अगर आप पक्का कराना चाहते हो, जैसे कश्मीरी एक प्रेसिडेंट है, जैसे कश्मीर के 150 टीचर्स को पक्का कराया था, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था, कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर चुकी है, कैबिनेट का प्रस्ताव एलजी साहब के पास है, कल शाम तक एलजी साहब से उस पर साइन करा दो, जैसे कश्मीरी उनका हुआ था, ये पक्के हो जाएंगे। आप इस बिल को मत मानो, आप कह रहे हो हम इस बिल को नहीं मानते, मत मानो इस बिल को, छोड़ो, एलजी साहब से पास करा दो, जैसे कश्मीरियों को कराया था इनका भी करा दो, वो तो करा सकते हो भाई, हमने अपना कर दिया, हमने अपना कर दिया। अगर ये नहीं कराओगे, अगर ये नहीं कराओगे, जिंदर जी बैठ जाओ, बैठ जाओ अध्यक्ष जी, अब ये वार्तालाप हो रहा है, ये भाषण नहीं है, मेरा माइक देखिए अध्यक्ष जी, अभी उनको बात पूरी कर, मुख्यमंत्री से एक बार विजेंद्र जी सीएम साहब को बात पूरी कर, प्लीज उनकी परमिशन। सीएम साहब, मेरा इतना कहना है कि बिल को कंप्लीट, जो आप जो भी एग्जांपल दे रहे हो, बिल का पार्ट होना ही है, बिल को, बिल इतना वेग और इतना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि बिल को मैंने 3-4 बार पढ़ा, इसमें एक भी रेफरेंस, एक भी रेफरेंस इसमें प्रॉपर नहीं है। देखिए एक मिनट, आप कोई बात नहीं, आप एक काम करो, एक अमेंडमेंट ले आओ, अभी पास कर देते हैं, अभी लाओ अमेंडमेंट इस बिल में, एक मिनट, अभी अमेंडमेंट ले आओ, जो जो गलतियां बिल में ठीक कर देते हैं, ये अभी इस बिल में जितनी गलतियां ठीक कर देते हैं, असेंबली पास कर देते हैं। आप जो जल्दबाजी कर रहे हैं, विजेंद्र जी सीएम साहब कह रहे हैं, आप उनके उसके लिए, आप देख, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार है, सरकारों को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को लच्छेदार भाषण नहीं देने पड़ते, उनको धमकियां भी नहीं देनी पड़ती, उनको वो काम कर सकते हैं, उनके पास टूल है। ये काम तो अपोजिशन का होता है चिल्ला चिल्ला के बोलना, ये विपक्ष का काम है, सरकार का नहीं है, सरकार का काम है काम करना। हम आपसे यही कह रहे हैं, मैं इन 15,000 जो 17,000 टीचर्स हैं उनके वकील के रूप में आपको कह रहा हूं, कृपया करके आप एक हफ्ते के बाद सेशन फिर बुलाइए, पूरा बिल कॉम्पैक्ट बिल बना लीजिए, उसको पारित करिए, सर्विस किसका राइट है किसका नहीं है हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, हम आपके साथ चलेंगे, अभी हम चलेंगे आपके साथ अभी, लेकिन आपका जो बिल में ही दम नहीं है, अभी बिल आपका 11 अक्टूबर को ही पिट जाएगा हाईकोर्ट में एक सेकंड में, तब आपका वकील वहां खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तब आप जाके वहां गया तो खुद जाके गई आप कि मैं देखता हूँ कैसे आप इसको अभी बैठते हैं ना, इस बिल में जो जो कमियां अभी रात भर सेशन, अभी रात भर चलाएंगे, बैठ जाइए, बैठ करके रात भर सेशन चलाएंगे, आप अमेंडमेंट बताओ, आप लोग है ना, जो जो अमेंडमेंट इस बिल में चाहिए,
विजेंद्र जी आप सुन लीजिए जरा प्लीज। विजेंद्र जी को विश्वास लेके पूरा दो मिनट रुकिए। डायलॉग बोलेंगे सेक्रेटरी क्या होता है फलाना क्या होता है तो आप बोलिए। आपको बैठिए प्लीज बैठिए बैठिए। चलानी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन में लोगों का लाभ हो लोगों तक उसका लाभ पहुंचे। विजेंद्र जी बात हो गई ना बैठिए। एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रशासक है आप मैम अच्छे नेता हो सकते हैं आप पर अच्छे प्रशासक नहीं है आप। बैठिए प्लीज बैठिए। बहुत अच्छे नेता है आप अच्छे प्रशासक नहीं है। सरकार कैसे चल। विजेंद्र जी बैठिए आप प्लीज बैठ जाइए। मेरा ये भी मानना है कि अगर आज ये लोग इसको कर देते हैं मान लो एसजी साहब इसको पास कर देते हैं मैं सारे गेस्ट टीचर्स को कहना चाहता हूं अगली बार सारे जने बीजेपी को वोट दे देना हमको वोट मत देना। हम ये वोट की राजनीति करने नहीं आए। सारे जने बीजेपी का खूब प्रचार करना अगर ये हो जाता है तो और अगर ये नहीं होता तो बीजेपी को हराने में कोई कसर मत छोड़ना। खून पसीना बहा देना बीजेपी दोबारा 3 भी सीट नहीं आनी चाहिए अगली बार इनकी बीजेपी वालों की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं ये जितनी गेस्ट टीचरों की फाइल ऊपर नीचे हुई एक बार भी वो फाइल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दिखाई गई। पूरी दुनिया के अंदर आज नाम हो रहा है मनीष सिसोदिया का जो एजुकेशन के अंदर काम हुआ है शिक्षा के अंदर काम हुआ है। पूरे देश के अंदर आज नाम हो रहा है मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्री का जो उसने शिक्षा में काम करके दिखाया है। लेकिन एक बार भी फाइल ऊपर नीचे जब भी अधिकारियों से पूछा एलजी साहब ने मना कर रखा है। एलजी साहब नहीं एलजी साहब क्यों मना कर रहे हैं क्या छुपाना चाहते हैं एलजी साहब ऐसा क्या लिखा हुआ इन फाइलों के अंदर जो छुपाना चाहते हैं जो बाहर निकल गया तो एलजी साहब की पोल पट्टी खुल जाएगी। तो मन में शक होता है कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने फाइलों के अंदर क्यों छुपा रहे हैं एलजी साहब। एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूं इनमें कोई स्टेट सीक्रेट्स हैं क्या फाइल के अंदर और हम आतंकवादी नजर आते हैं क्या कि अगर हमारे हाथ में ये स्टेट सीक्रेट्स लग गए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं भी एलजी साहब को कहना चाहता हूं आई एम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। He is elected education minister of Delhi and he is not a terrorist. इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं हम लोग जब पूरे दुनिया के अंदर पारदर्शिता की ट्रांसपेरेंसी की फलाने की ढिमकी की बात होती है भाषण बड़े बड़े होते हैं तो डर किस बात का है किससे छुपा रहे हो। वो फाइल आरटीआई में मिल जाती है मुख्यमंत्री को फाइल नहीं मिल सकती। कहते हैं मुख्यमंत्री को फाइल नहीं दिखाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर को फाइल नहीं दिखाएंगे। अरे तुम अपने एसी कमरों के अंदर बैठ के स्कूल चलाओगे क्या तुम तो फेल हो गए। तभी तो इसकी जरूरत पड़ी मनीष सिसोदिया की नहीं तो हमको हमें क्या जरूरत थी राजनीति के अंदर आने की हमें क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी बनाने की हमें क्या जरूरत थी अच्छा खासा हम अपनी जिंदगी जी रहे थे हमें इसीलिए तो जरूरत पड़ी क्योंकि तुम फेल हो गए थे और अब तुम हम लोगों को फाइलें नहीं दिखा रहे ये नहीं चलने वाला फाइलें दिखानी पड़ेगी। इसको फाइलें नहीं दिखाते अपने मोहल्ला क्लिनिक के बताओ। यूनाइटेड नेशन से इसके पास इनविटेशन आते हैं सत्येंद्र जैन के पास कि भई आके बताओ क्या कर दिया तुमने मोहल्ला क्लिनिक। पूरी दुनिया में अमेरिका के अखबारों में न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में पेरिस में लंदन में सारे अखबारों के अंदर इनकी तारीफ फ्रांस के टीवी चैनल के अंदर इसकी तारीफ चल रही है सत्येंद्र जैन की। लेकिन वो फार्मासिस्ट लगाएंगे और वो लगाएंगे डॉक्टर लगाएंगे तो इसको फाइलें नहीं दिखाएंगे क्यों भाई। तुमको ये अकल होती तो हमारी क्या जरूरत थी। तुमको अकल नहीं थी तुम्हारी नीयत खराब थी तभी तो हमारी जरूरत पड़ी और अब तुम हमको फाइलें नहीं दिखाओगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन फाइलों। तो मैं फिर से एलजी साहब को कहना चाहता हूं एलजी साहब हम आतंकवादी नहीं है हम चुने हुए लोग हैं हमारा अधिकार है और अगर आप हमसे फाइलें छुपाते हो तो आपकी हिस्ट्री याद करेगी आपकी नीयत खराब थी आपने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी वकालत हो रही है पेट्रोल इसके बढ़ाना पड़ेगा ये कारण है ऐसे बढ़ाना चाहिए यहां अधिकार नहीं है आपको। आ रहे हैं 3,000 पे भी आएंगे आपको वो लगा 3,000 नहीं हो गए अंग्रेजों का लगान हो गया अंग्रेज हो गए हो अंग्रेजों की सरकार की तरह से व्यवहार करोगे दिल्ली की जनता के साथ में। एक बात याद रखिएगा जी विजेंद्र जी हाँ ये अच्छा है ये देखिए एक बात बता रहा हूं विजेंद्र जी सिक्का जो है ना सिर्फ हेड नहीं होता है टेल भी सिक्के में होता है और मौके मौके की बात है जिस दिन टेल ऊपर आ जाता है ऐसी 66-67 आके बैठते हैं फिर ये हेड वाले सब इधर उधर घूमते रहते हैं और जब टेल और आज हम टेल की बात कर रहे हैं जब भी आम आदमी की बात आती है चार कागज जेब से निकाल लाते हैं देखो यहां लिखा हुआ है ऐसे नहीं हो सकता
चार कागज इधर वाली जेब से निकाल लेंगे, पर्चे ये देखो ऐसे नहीं हो सकता। अरे दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है सदन को, इस सरकार को, दिल्ली की जनता के लिए कानून बदलने चाहिए की जरूरत पड़ेगी तो कानून भी बदलेंगे और कानूनों में कहीं कमी होगी तो उसको भी ठीक करेंगे। हम कानूनों की गुलाम सरकार नहीं है, हम दिल्ली की जनता की गुलाम सरकार है। हम व्यवस्थाओं की गुलाम नहीं है। एक सोच चल रही है और खतरनाक, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड, उसकी गुलाम सरकारें लेकर आती हैं इस सोच को। उन्हीं सरकारों ने, उन्हीं सोच ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। कॉरपोरेट एजुकेशन सिस्टम कॉरपोरेट घरानों को और बड़े बड़े जिसके नहीं थे उनके भी खुलवा दिए। उन्होंने अस्पतालों को बर्बाद करके रख दिया और आज वही दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं। आज दिल्ली मेट्रो का किराया जिसको बढ़ाने की साजिश रची जा रही है आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में, लेकिन चाहते हैं कि उसको बढ़ा के इतना कर दिया जाए कि दिल्ली में ओला और उबेर जैसी कंपनियों की चांदी हो जाए। लोग सोचने लगे मेट्रो से ज्यादा अच्छा है ओला और उबेर में जाने लगो, और ये होने लगा। अभी सुनिए, ज्यादा इधर उधर गणित में कहिए, गणित में कमजोर हो, मान लो कमजोर है, कोई नहीं बढ़ाया। अरे बेकार की बात कर रहे हो आप, ये जुमले और भाषण बाहर के लिए रखा करो, सदन में सच बोला करो। सदन में आपसे विजेंद्र गुप्ता जी, डेटा में भी आपसे मजबूत रहता हूं और गणित में भी आपसे मजबूत हूं। अरे जो गुम है और जिसकी कोई राह नहीं है उसको कोई क्या गुमराह करेगा। विजेंद्र जी आप पहले बताइए मेट्रो के खिलाफ भरना चाहिए कि घटना चाहिए। आप बात कर रहे हैं, मेट्रो का किराया बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। विजेंद्र जी, अरे मेट्रो के किराए पे क्या नहीं बोलते हो, जवाब नहीं है। और वो जवाब दे तो टैक्सी कंपनियों से दलाली खाते हो, दे रहे हैं वो दिल्ली की जनता को, टैक्सी कंपनियों को बनाना चाहते हो, नहीं बनाने देंगे आपको। विजेंद्र जी बैठिए ना, ये कोई तरीका है? नहीं बनाने देंगे आपको दिल्ली की जनता को टैक्सी कंपनियों का गुलाम, मेट्रो में चलाएंगे दिल्ली की जनता को। विजेंद्र जी बैठिए, सुनिए, बैठिए नीचे, आपको कुछ नहीं आता, नीचे बैठिए, आपको सिर्फ शोर मचाना आता, नीचे बैठिए, जवाब दे रहा हूं मैं आपकी बात का। विजेंद्र जी थोड़ा सा बैठ जाइए, विजेंद्र जी मैं कह रहा हूँ बैठ जाइए, आराम से नहीं बोल रहे, पूरी बात आराम से बोल ही नहीं रहे, बात सुनिए, नीचे बैठिए, आप नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय बैठ कर मैंने जवाब दिया आपको ठीक ढंग से जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय इनमें दम नहीं है जो एक बार भी खड़े होकर कह सके कि मेट्रो का किराया कम होना चाहिए। इनमें दम नहीं है, मेट्रो का किराया कम हो सके इनमें दम नहीं है। एक बार तो दिल पर आते हैं कि उनसे मेट्रो का किराया कम होना चाहिए, नहीं कह सकते हो। पेट्रोल पे कोई बात नहीं है, मेट्रो पर जवाब दे रहा हूं, पेट्रोल पे बात छोड़िए, मेट्रो पर कर रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हो, बैठ जाइए। जब पेट्रोल पे बहस होगी पेट्रोल पे भी बात करेंगे, पेट्रोल पे भी बात करेंगे। मेट्रो दिल पे हाथ रख के बोलिए, मेट्रो का किराया कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कम होना चाहिए। दिल पे दोनों हाथ रख के बोल रहा हूँ कम होना चाहिए, बेकार की बात करते हैं। विजेंद्र जी मैंने बोल दिया, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा आप सदन को आश्वासन दीजिए कि हम किराया नहीं बढ़ने देंगे। मैं बताता हूँ ना, क्या बात है, बैठ जाइए, आप कह रहे हैं कंपनी है, कर रहे हैं कंपनी के ऑफिस की बात कर रहे हैं, चलिए किराए ऑपरेशन को कंपनी के प्रमोटर जाने लिए आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप क्यों वकालत कर रहे हो टैक्सियों के लिए? आप टैक्सियों के लिए क्यों वकालत कर रहे हो? तथ्यों को नहीं घुमा रहे हैं, आपका नंगापन जाहिर कर रहे हैं, साजिश है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं बैठ जाइए।
ना आपको 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 पूरा बोलने का समय दिया था, नहीं आपको पूरा बोलने का, बैठ जाइए अब आप बैठ जाइए, आप बैठिए प्लीज, बर्बाद कर रहे हैं। ना तो हरियाणा में इनकी सरकार है वहां पे 5% घटाए, उतना सैकड़ों सेंट था तो पहले मान जाते, ना उत्तर प्रदेश ने घटाए हैं। और मैं बता रहा हूं आज भी दिल्ली में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आपकी भाजपा शासित सरकारों से कम है पेट्रोल और डीजल के दाम, और जिस दिन वो घटा देंगे उससे कम कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कम करके रखूंगा। क्या करेंगे बोलिए, अब आप बोलो ना, किराया कम करवाइए, किराया कम करवाइए, दिल्ली को बचाइए, किराया कम करवाइए, दिल्ली को बचाइए, बोलने दे, बोलिए और क्या बोलेंगे, देखिए बढ़ जाइए बढ़ जाइए, मैं सुन चुका हूँ बहुत, ये माइक बंद कर दीजिए और कर दीजिए माइक बंद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, उन्होंने बोल दिया अध्यक्ष, आप ईमानदारी से, मैं माइक खुलवाता हूँ ईमानदारी से कहिए कि हम जाएंगे मेट्रो का किराया कम करवाएंगे, बोलिए ईमानदारी से, करवा बोलिए मेट्रो का किराया कम करवाएंगे, बोलिए आप मेट्रो का किराया कम करवाएंगे, दिन सरकार केंद्र सरकार क्रूड ऑयल के दाम इतने नीचे आ चुके हैं, केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठी है, क्रूड ऑयल के दाम कम 3 गुना कम हो चुके हैं दाम, क्यों कमाई कर रही है, किसके लिए कमाई कर रही है, 16,000 गुना, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों की कंपनियों को 16,000 गुना फायदा पहुंचाने के लिए, ये 3 गुना पेट्रोल के दाम नीचे आ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बावजूद केंद्र सरकार कम नहीं कर रही है प्राइस, 2 रुपए का झुंझुना पकड़ा के दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। मैं कह रहा हूं आज भी आपके राज्यों से ज्यादा सस्ता है दिल्ली में पेट्रोल और डीजल, और आप लिख के दे रहा हूं यहां सदन में स्टेटमेंट दे रहा हूं, दिल्ली और हरियाणा से सस्ता ही रखे, यूपी और हरियाणा से सस्ता ही रखेंगे, चाहे जैसे भी हो सस्ता रखेंगे हमारा वादा।